children, coming back to your literature class. In my last class, I have finished that all the friends, Mohsin and Mehmood, they have brought sweets and they are showing Hamid as if they are going to share it with Hamid, but actually they were not going to do so. And Hamid was very much heartbroken. After the sweet vendors, there are a few hardware stores and shops of real artificial jewelries. There is nothing there to attract the boys' attention, so they go ahead. All of them except Hamid, who stops to see a pile of tongs. It occurs to him that his granny does not have a pair of tongs. Tongs matlab chimta. Jisse roti sekte hai na, wo chimta. Each time she bakes chapatis, the iron plate burns her hand. If he were to buy her a pair of tongs, she would be very pleased. She would never burn her fingers and it would be a useful thing to have in the house. What use are toys? They are a waste of money. You can have some fun with them, but only for a few very short time. Then you forget all about them. So Hamid ne kya socha ki agar wo toy kharidta hai to kuch din ke liye to toy rahenge, uske baad toy toot jayenge aur paisa बर्बाद हो जाएगा. सो इससे अच्छा है कि वो एक चिमटा खरीदे, क्योंकि उसकी दादी के हाथ जल जाते हैं रोटी करते वक्त. शी कुड नॉट टर्न द चपातीज एंड हर फिंगर्स गेट बर्न. हामिद आस्क्स द शॉपकीपर हाउ मच फॉर दिस पेयर ऑफ टॉन्ग्स. द शॉपकीपर लुक्स एट हिम एंड सीइंग नो ओल्डर पर्सन विद हिम रिप्लाइज इट्स नॉट फॉर यू. इज इट फॉर सेल और नॉट? Why should it not be for sale? Why else should I have bothered to bring it here? कितना है? तुम्हारे लिए नहीं है. ये बेचने के लिए भी है? हाँ, तो बेचने के लिए नहीं है तो मैं क्यों लाया यहाँ पे? Why then don't you tell me how much it is? तो मुझे बताओ कितने का है. It will cost you 6 pice. 6 pice. Hamid hurt sings. Let me have the correct price. सच में बोलो ना. All right, it will be 5 pice. Bottom price, take it or leave it. लो और चलते बनो, या फिर मत लो चलते बनो. 5 पैसे से नीचे नहीं मिलेगा. Hamid steals his hurt and says, will you give it to me for 3? And proceed to walk away, lest the shopkeeper screams at him. थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर उसने बोला कि मुझे 3 पैसे में दोगे? और इससे पहले कि वो दुकानदार उस पर चिल्लाए, वो आगे निकल गया. ऑन द कंट्ररी ही कॉल्स हामिद बैक एंड गिव्स हिम द पेयर ऑफ टॉन्ग्स. लेकिन उस शॉपकीपर ने, मतलब उसको लगा कि अगर बुला के मुझे दे दे. हामिद कैरीज इट ऑन द शोल्डर एज इफ इट वेयर अ गन. शॉपकीपर ने उस पर बिना झिल्लाए हुए उसे बुलाया और बुलाकर बोला, ठीक है ले जाओ. हामिद बहुत खुश था. उसने कंधे पर बंदूक रखने के जैसे उस चिमटे को रखा और चलने लगा. मोहसिन लाफ एंड सेज, आर यू क्रेजी? व्हाट विल यू डू विद दिस टॉन्ग? हामिद फिंग्स द टॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड रिप्लाइज, ट्राई एंड थ्रो योर वाटर कैरियर ऑन द ग्राउंड, एवरी बोन इन हिज बॉडी विल ब्रेक. हामिद रुक के बोला, एक काम करो, तुम्हारे पास ये जो खिलौना है ना, इसको उठा के पटक दो, देखो इसका एक एक साइड टूट जाएगा. आर दी स्ट्रॉन्ग सम काइंड ऑफ टॉय? महमूद ने बोला, ये कोई खिलौना लिखता है तुमको? वाई नॉट प्लेस देम अक्रॉस योर शोल्डर एंड इट इज अ गन. बोले, क्यों नहीं, तुम इनको कंधे पे रखो, ये गन बन जाएंगे. वेल देम इन योर हैंड एंड इट इज लाइक टॉन्ग्स कैरिड बाय सिंगिंग मेडिसिन. अगर तुम हाथ में रखो तो तुम्हें लगेगा चिपटा, लेकिन बेगर की तरह तुम उसको रखे हुए हो. दे कैन मेक द सेम क्लैंगिंग एज अ पेयर ऑफ सिंबल्स. वन स्मैक दे विल रिड्यूस ऑल योर टॉयज डस्ट. इसमें इतनी हिम्मत है ना कि यह तुम्हारे टॉयज को पकड़ेगा, पटकेगा और तुम्हारे सारे टॉय मिट्टी में मिल जाएंगे. एंड मच एज योर टॉयज मे ट्राई, दे कुड नॉट बेंट a hair on the hand of my
टोंग्स, लेकिन तुम्हारे टॉयज मेरे टोंग कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन मेरा टोंग तुम्हारे टॉय को बर्बाद कर सकता है। समी हु हैड ब्रॉट अ स्मॉल टैम्बोराइन टैम्बोराइन मतलब एक वो जिप्सी में बजाते हैं ना बड़ा वाला साइड में झूमर लगा हुआ, वो विल यू एक्सचेंज दिस फॉर माई टैम्बोरिन, इट इज़ वर्थ 8 pies। समी ने कहा तो तुम एक काम करो, तुम्हारा चिमटा मुझे दे दो, तुम ये टैम्बोराइन ले लो, इसका 8 pies दाम है। हाउ मैक प्रिटेंड नॉट टू लुक एट द टैम्बोरिन, माई टोंग्स इफ दे वॉन्टेड टू कुड टीयर आउट द बाउल्स ऑफ योर टैम्बोरिन, ऑल इट हैज़ इज अ लेदर स्किन एंड इट कैन से डब डब, ये सिर्फ डब डब कर सकता है, लेकिन मेरा चिमटा अगर चाहे तो इसे फाड़ सकता है। अ ड्रॉप ऑफ वाटर कुड साइलेंस इट फॉर एवर, और इसमें थोड़ा सा पानी गिर जाए तो इसके डब डब ठप ठप हो जाएगा, कोई आवाज़ नहीं निकले वाली। मोसन थिंग्स ऑफ अनदर प्लॉय, योर टोंग्स फेस विल बर्न इन द फायर एवरी डे, मतलब तुम्हारे टोंग का मुंह हमेशा आग में जलेगा। ही इज श्योर दैट दिस विल लीव हामिद स्पीचलेस, दैट इज नॉट सो, पैट कम्स हामिद विद द रिटॉर्ट, उसने सोचा वो ऐसा बोलेगा तो हामिद चुप हो जाएगा, लेकिन हामिद ने कहा मिस्टर इट इज ओनली द ब्रेव हु कैन जंप इनटू अ फायर, देखो हिम्मत चाहिए होती है आग में कूदने के लिए, मेरे चिमटे में हिम्मत है, तुम्हारे टॉयज जैसे नहीं, चिपकू थोड़ा सा ठुका नहीं लगा टूट गए। ओनली दिस चैम्पियन ऑफ इंडिया कैन परफॉर्म दिस फीट ऑफ लिपिंग इनटू फायर, सिर्फ चैम्पियंस लोग ही ये काम कर सकते हैं, तुम्हारे जैसे छोटे मोटे लोग नहीं। महमूद हैज़ वन मोर ट्राई, द लॉयर विल हैव चेयर्स टू सिट एंड टेबल्स फॉर हिज थिंग्स, योर टोंग विल ओनली हैव द किचन फ्लोर टू लाई ऑन, बोलते देखो मेरा ये जो लॉयर है ना इसको टेबल चाहिए चेयर चाहिए बैठने के लिए, तुम्हारा टोंग तो कहीं पर भी खड़ा हो जाएगा। हामिद डिड नॉट थिंक ऑफ एन अप्रोप्रिएट रिटॉर्ट, सो ही सेज व्हाटएवर कम्स टू हिज माइंड, हामिद को जवाब पसंद नहीं मतलब दिमाग में नहीं आया, उसने जो मुँह में आया कह दिया। द टोंग वॉन्ट स्टे इन द किचन, वेन योर लॉयर सिट्स ऑन हिज चेयर माई टोंग विल नॉक हिम डाउन ऑन द ग्राउंड, मुझे ऐसा मत कहो, तुम्हारा लॉयर जब चेयर में बैठेगा ना मेरा टोंग ऐसा चिमटा काटेगा कि वो उछल के ज़मीन पर आ जाएगा, इसलिए मेरे टोंग के साथ अपने लॉयर की तुलना मत करो। इट डज नॉट मेक सेंस बट आवर थ्री हीरोज आर अटरली स्क्वैश्ड, सब क्या बोल रहा है हामिद, इतना कुछ बोल रहा है, अरे बाप रे। ऑलमोस्ट एज इफ अ चैम्पियन काइट हैज बीन ब्रॉट डाउन फ्रॉम द हेवंस टू द अर्थ बाय अ चीप मिजरेबल पेपर इमिटेशन, दस हामिद विंस द फील्ड, हिज टोंग्स आर द चैम्पियन ऑफ इंडिया, नाइदर मोहसिन नॉर महमूद नाइदर नूरी नॉर समी नॉर एनीवन एल्स कैन डिस्प्यूट द फैक्ट, कोई उसे चुप नहीं करा पा रहा था, सब उसके पीछे लग रहे थे लेकिन बोलने का कोई नहीं था, और वो जो बोल रहा था उसका जवाब कोई दे नहीं पा रहा था। द रिक्वेस्ट दैट अ विक्टर कमांड्स फ्रॉम द वैंक्विश्ड इज पेड टू हामिद, ऐसा लग रहा था कि हामिद जीत के आया है और सब लोग हारे हुए हैं। हामिद 3 pies वर्थ हैज कैरिड द डे एंड नो वन कैन डिनाई द टॉय आर अनरिलायबल थिंग्स, दे ब्रेक वाइल हामिद स्टॉन्ग्स विल रिमेन एज दे आर फॉर इयर्स, सब जानते हैं कि गुड्डे गुड्डी आज अच्छे हैं कल टूट जाएंगे, लेकिन हामिद का चिमटा टूटने वालों में से नहीं है। द बॉयज बिगिन टू मेक टर्म्स ऑफ पीस, मोहसिन सेज गिव मी योर टोंग फॉर अ वाइल यू कैन हैव माई वाटर कैरियर फॉर सम टाइम, अब सबको लगने लगा कि चिमटा ही अच्छा है, सब बोल रहे हैं मेरा टॉय ले लो चिमटा दे दो, बट महमूद एंड नूरी सिमिलरली ऑफर देयर टॉय, महमूद और नूरी ने भी कहा हम लोग का खिलौना ले लो तुम्हारा चिमटा हमें दे दो। हामिद हैज़ नो हेजिटेशन इन एग्रीइंग ऑन दीज टर्म्स, द टोंग्स पास फ्रॉम हैंड टू हैंड, तभी ठीक है देखने के लिए ले सकते हो लेने के लिए नहीं, एंड टॉयज आर इन रिटर्न हैंडेड टू हामिद, हाउ लवली दे आर, बाई 11 द विलेज वॉज अगेन अगॉग विद एक्साइटमेंट, ऑल दोज हु हैड गॉन टू द फेयर वेयर बैक एट होम, मोहसिन लिटिल सिस्टर रैन अप रेज द वाटर कैरियर आउट ऑफ हिज हैंड एंड बिगैन टू डांस विद जॉय,
Mr. Water Carrier slipped out of his hand, fell on the ground and went to paradise. चा मोहसिन ने जो वाटर कैरियर खरीदा था उसकी बहन उछलते उछलते आई ही और उसने वाटर कैरियर को छपाक से अपने भाइयों के हाथ से ले लिया, फिर खेलने लगी। बस फिर क्या था, हाथ से फटाक से छूट गया, नीचे गिर गया और गए हेवन, खत्म। द ब्रदर एंड सिस्टर बिगैन टू फाइट, बस दोनों फिर मारामारी करने लगे। एंड बोथ हैड स्टार्टेड क्राइड। देयर मदर लॉस्ट देयर टेंपर बिकॉज ऑफ द रैकेट दे वर मेकिंग एंड गेव ईच टू रिजाउंडिंग स्लैप्स। उसकी मम्मी ने दोनों को ठास ठास करके दो थप्पड़ मारा और कमरे में घुसा दिया। चलो अंदर, ये कहाँ से एक टॉय खरीद के लाए हो, बैठ बैठ के उससे झगड़ा करे हो शतान। धक्के मार के अंदर घुसा दिया। नूरी का लॉयर मेट एन एंड बी फाइटिंग इज ग्रैंड स्टेटस। अ लॉयर कुड नॉट सिट ऑन द ग्राउंड, ही हैड टू कीप हिज डिग्निटी इन माइंड। टू नेल्स वर ड्रिवन आउट द वॉल, अ प्लैंक पुट ऑन देम एंड अ कारपेट ऑन द पेपर स्प्रेड ऑन द प्लैंक। द ऑनरेबल काउंसिल वॉज सीटेड लाइक अ किंग ऑन द थ्रोन। नूरी बिगैन टू वेव अ फैन ओवर हिम। ही न्यू दैट इन द लॉ कोर्ट देयर वेर निकोस कर्टन्स एंड इलेक्ट्रिक फैंस। नूरी ने क्या किया, उसका लॉयर था, उसने आराम से उसको एक दरी के ऊपर बिठा दिया, सॉरी, और पंखा झेलने लगी। सो द लीस्ट ही कुड डू वॉज टू प्रोवाइड अ हैंड फैन, अदरवाइज द हॉट लीगल आर्ग्यूमेंट माइट अफेक्ट हिज लॉयर्स ब्रेन। नूरी वॉज वेविंग हिज फैन मेड ऑफ बम्बू लीव। वी डू नॉट नो वेदर इट वॉज अ ब्रीज और द फैन और समथिंग एल्स दैट ब्रॉट द ऑनरेबल काउंसिल डाउन फ्रॉम हिज हाई पेडेस्टल टू द डेप्थ ऑफ द हेल एंड रिड्यूस्ड हिज गाउन टू मिंगल विद द डस्ट विच इट वॉज मेड। बेचारा उसने ऐसा पंखा झेला कि वो ऊपर से बिल्कुल नीचे, सारे कपड़े टूट गए, वो खुद टूट गया। देर वॉज मच बीटिंग ऑफ ब्रेस्ट एंड द लॉयर बायर वॉज डम्ड ऑन द डंग हीप। सारे खिलौने टूट रहे हैं, इसका वाटर कैरियर गया, इसका लॉयर भी गया, अभी बचा था महमूद का पुलिस। महमूद पुलिसमैन रिमेंड, ही वॉज इमीडिएटली पुट ऑन ड्यूटी टू गार्ड द विलेज, बट दिस पुलिस कॉन्स्टेबल वॉज नो ऑर्डिनरी मॉडल। वॉक ऑन हिज ओन फीट, ही हैड टू बी प्रोवाइडेड अ पैलेंक्विन, पैलेंक्विन पालकी। दिस वॉज बास्केट लाइन with the tatters of discarded clothes of red colored for the police to recline in comfort. Uska police tha, police to paidal nahi chal sakta, isliye usko palki ki zarurat thi. Jo bhi ho, Mehmood picked up the basket on the straddle to the ground. Ek basket laya, basket mein usko bitha diya. His two younger brothers followed him lisping. Lisping matlab उसके छोटे छोटे दो भाई थे, उसने देखा कि वो उस गार्ड से बात कर रहा है। शॉपकीपर कीप अवेक, शॉपकीपर तुम जगे रहो, बट नाइट हैज़ टू बी डार्क। महमूद स्टम्बल्ड एंड द बास्केट स्लिप्ड आउट ऑफ हिज हैंड। मिस्टर कॉन्स्टेबल विद हिज गन क्रैश्ड ऑन द ग्राउंड, ही वॉज शॉर्ट ऑफ वन लेग। बेचारा वो उसका बास्केट लेकर घूम घूम के बात करने लगा, बास्केट हाथ से छूटा, बास्केट नीचे गिरा, उसके अंदर से उछल के गार्ड नीचे गिरा, बेचारे का एक ठैंग ठैंग मतलब पाँव, एक पाँव टूट गया, यानी इसका वाटर कैंकर भी गया, इसका क्या बोलते हैं, हाँ इसका लॉयर गया, इसका पुलिसमैन गया। अब बचा महमूद। महमूद बीइंग अ बिट ऑफ अ डॉक्टर न्यू ऑफ द ऑइंटमेंट विच कुड ईजिली quickly rejoin the broken limb. All it needed was the milk of a banyan sapling. महमूद को पता था कि अगर केले के उधर का आटा लेकर आए तो ये जुड़ सकता है। The milk was brought and the broken leg resembled. तो वो लेकर आया और उसने उस पाँव को लगा दिया। But no sooner was the constable put on his feet, the leg gave away. But जैसे ही उसने उस constable को वापस बिठाया, उसका पाँव गिर गया। Mehmood became a surgeon and cut the other leg on the side of the broken one. Chap could at least sit in comfort. Mehmood ने क्या किया, उसका दूसरा पाँव भी उसी लेवल में
काट दिया जिससे कि वो एक जगह बैठ सके. द कांस्टेबल वर मेड इन टू अ होली मैन, ही कुड सिट ऑन वन प्लेस एंड गार्ड द विलेज. उस बेचारे को निठुल्लू बना दिया, वो एक जगह बैठ बैठ कर विलेज का गार्डिंग कर रहा था. एंड समटाइम्स ही वॉज लाइक द इमेज ऑफ द डायटी, द प्लम ऑन हिज टर्बन वॉज स्क्रैप्ड ऑफ एंड यू कुड मेक अ मेनी चेंजेस इन हिज अपीयरेंस एज यू लुक लाइक. एंड समटाइम्स ही वॉज यूज फॉर नथिंग बेटर देन वेइंग थिंग्स. तो क्या हुआ, द प्लम ऑन हिज टर्बन वॉज स्क्रैप्ड ऑफ एंड यू कुड मेक अ मेनी चेंजेस. अब उसको लेकर वो लोग कुछ भी कर रहे थे, चेंजेस ला रहे थे, क्योंकि वो तो वैसा था नहीं जैसा लाए थे. तो दीज वेर द कंडीशन ऑफ द टॉयज विच हैव बीन बॉट बाय द फोर फ्रेंड्स एक्सेप्ट हामिद. नाउ हामिद हैज वन टॉन्ग चिमटा दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट सेशन. हाउ डिड हामिद्स ग्रैनी गेव द एक्सप्रेशन, whether she was happy or she was upset. Okay, till then go through this part. All this happened because my children, these four friends, three friends, they were humiliating Hamid because he was not having too much money and he could not buy whatever he liked. So he was getting humiliated by these three friends, and finally you see what has happened, all their toys are broken. So when you humiliate other, it is definite that you will also deserve the same humiliation from God. So never humiliate any of your friends. Try to be friendly with them. Behave nicely with them. Okay, children, I'll be back with you by the last part of this chapter and regarding the reaction of Hamid and his granny. Till then, take care, be healthy. Bye-bye and thank you.